अंबेडकर चौराहे पर स्थित होरा भाइयों का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक किसी प्रकार के डीप फ्रीजर एसी कूलर पंखे मोबाइल फोन वॉशिंग मशीन फ्रिज प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हरदा हादसे की बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए बहुत ही दर्दनाक हादसा था वो, और हम सभी पीड़ित परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और शासन से भी हम लोग अनुरोध करते हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको उचित सहायता प्रदान किया जाए, और साथ ही साथ जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या लग रहा है सरकार की भूमिका और जो वहाँ के नेता हैं बीजेपी से जुड़े उनकी भूमिका को किस तरह से देखते हैं? देखिए ये तो जाँच का विषय है, और हमने विधानसभा में भी मजिस्ट्रियल जाँच की हम लोगों ने मांग करी है, और हम चाहते हैं कि सरकार जो है निष्पक्ष रूप से हमारी इस मांग को स्वीकार करें और लोगों को न्याय और इंसाफ देने का काम करें। जांच कृषि मंत्री हैं उनकी भी काफ़ी चर्चा हो रही थी कि उनके संबंध हैं, क्या कुछ हो? ये तो जांच का विषय है, सब जांच में सारी चीज़ें सामने आई हैं। हमेशा की तरह जांच रिपोर्टें जो होती है उनमें ध्यान नहीं दिया जाता सरकार की तरफ, और वो वांछित कार्रवाई नहीं हो पाती, जनता की हमेशा शिकायत बनी रहती है। ये जांच रिपोर्ट पे कार्रवाई यदि नहीं होती है तो कांग्रेस का कोई स्टैंड इस पे? निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि लगातार जो है इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। हमने पेटलावत की घटना हमने देखी, उसके बाद हरदा की ये जो घटना हुई है, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और आमजन को इसका खामियाजा ना उठाना पड़े, इस चीज़ को हम सबको इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव है, कितनी तैयार है कांग्रेस? कहा जा रहा है कि कई दिग्गज नाम पीछे ले रहे हैं, हार दिखाई दे रही है। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर के पूरे जोश खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए तैयार है, और विभिन्न विषय हमारे पास में विभिन्न मुद्दे हमारे पास में हैं, बेरोजगारी महंगाई जैसे बड़े बड़े मुद्दे हैं, और वादा खिलाफी जो भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से करी है, ये तमाम मुद्दे लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से सफलता भी हमको। कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, अरुण यादव जी, इनके नाम ऐसा लग रहा है पीछे आ रहे हैं, बीजेपी भी बड़ा कटाक्ष कर रही है, आज ही इस मुद्दे पर काफ़ी कुछ चर्चा हुई कि ये चुनाव लड़ने से डर रहे हैं हार की वजह। देखिए कांग्रेस पार्टी में प्रत्यक्ष चयन करने की एक प्रक्रिया होती है, और जो भी उम्मीदवारी अपनी प्रस्तुत करता है उसको उस प्रक्रिया के से गुजर कर जाना पड़ता है। अंतिम निर्णय और फैसला हमारी जो पार्टी हाईकमान है, वो पार्टी हाईकमान इस चीज़ का निर्णय लेता है। खंडवा से इस बार नाम चल रहा है सचिन यादव चुनाव लड़ने वाले। देखिए ये मैंने अभी आपको बताया, मैं पुनः वही चीज़ दोहराऊंगा, ये कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, कब लड़ेगा, ये निर्णय फैसला पार्टी हाईकमान और हमारा संगठन करता है। अगर आपको आदेश होता है तो ये पार्टी को तय करना है। आदेश होता है तो पार्टी तय करेगी। खंडवा से देखेंगे, पार्टी तय करेगी। टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।